महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मंदिरात 8,45,00,000 97,000 रुपयांचा दानपेटी घोटाळा प्रकरणी संभाजीनगर उच्च न्यायालय आणि विधिमंडळ यांच्या आदेशामुळे चौकशी सुरू असताना भ्रष्टाचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाच्या उपसचिवांनी सदर चौकशी बंद करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे। हा निर्णय विधिमंडळ तसेच चौकशीवर देखरेख करणाऱ्या उच्च न्यायालय यांचा अवमान आहे। एकूण आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी सरकारने तात्काळ बडतर्फ करावे अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी केली आहे। 1991 ते 2009 या काळात दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्यावर विधिमंडळाच्या मागणीनुसार वर्ष 2011 मध्ये या प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी चालू झाली। मात्र यात शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे 4 ते 5 वर्षे झाली तरी चौकशी पुढे सरकत नव्हती। यामुळे समितीने हिंदू विधिज्ञ परिषदेच्या सहाय्याने संभाजीनगर उच्च न्यायालयात वर्ष 2015 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली। त्यावेळी 3 वेळा न्यायालयाने चौकशी योग्य प्रकारे चालली नसल्याचे सांगून चौकशी अधिकाऱ्यांना खडसावले होते। अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार वर्ष 2017 मध्ये सीआयडीचा उपरोक्त चौकशी अहवाल गृह विभागाला सादर झाला। मात्र 5 वर्षे झाली तरी त्यावर कारवाई होत नसल्यामुळे वर्ष 2022 मध्ये पुन्हा समितीने 2 याचिका दाखल केल्या। त्यावर 5 वर्षे झाली तरी दोषींवर कारवाई का करण्यात आली नाही अशी विचारणा न्यायालयाने शासनाला केली। तेव्हा हे प्रकरण 30 वर्षांपूर्वीचे जुने तथा अनियमितता असल्याचे कारण सांगून चौकशी बंद करण्याचा निर्णय शासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतल्याचे समोर आले आहे। तुलजा भवानी देवस्थान के प्रकरण जो है भ्रष्टाचार के संदर्भ में, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद हिंदू जनजागृति समिति और सभी हिंदूवादी संगठनों की ओर से ली गई। 2010 से इस मंदिर में, उससे पहले जो 1991 से लेकर 2009 तक जो भ्रष्टाचार पाया गया है, इसके बारे में 2010-11 से सीआईडी जांच शुरू हुई है, लेकिन 2015 तक इसमें जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं थी। इसलिए हिंदू जनजागृति समिति ने संभाजीनगर कोर्ट में, संभाजीनगर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की और तब जाके माननीय उच्च न्यायालय जो है उन्होंने 2-3 बार अधिकारियों को डांटा, ये कब तक चलने वाला है, जांच कब पूरी होने वाली है, संबंधित अधिकारियों पे कब यहाँ पे कार्यवाही होने वाली है। तब जाके आगे सीआईडी ने एक अहवाल तैयार किया जिसमें करीबन 9 जो औक्षणदाता है, 4 तहसीलदार है, 2 धार्मिक अधिकारी है, ऐसे 16 अधिकारी इसमें दोषी है और करीबन 8,45,97,000 रुपए का इसमें घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये मान्य किया उन्होंने। और इतना सारा होने के बाद भी यह अहवाल विधिमंडल उनको गृह विभाग है उनको देने के बाद भी गृह विभाग के जो उपसचिव है उन्होंने बताया कि ये केवल अनियमितता है, ये निष्कालजीपन है। तो ये 2 बातें नहीं है, इसमें प्रचंड रूप में, भयानक रूप में इसमें भ्रष्टाचार पाया गया है और ये सीआईडी कहती है, हम नहीं कहते हैं। तो संबंधित जो अधिकारी है जिसने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, प्रकरण बंद किया है, उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, उसको बढ़तर्फ किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इसमें पूरे दोषी है, जो भ्रष्टाचारी है, इन पे भी कार्यवाही होनी चाहिए। इन